नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। देखते हैं आज का दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2023 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ने का है। सब तरफ से अगर मैं सिचुएशंस आपकी देख रही हूँ तो सही रहेंगी, सामान्यतः परिस्थिति चलती रहेगी, लेकिन आज के दिन अवलोकन करके आप किसी न किसी एक ऐसे ठोस निर्णय पर आ सकते हैं जो आगे की आपकी सिचुएशंस को और पॉजिटिव कर सकता है। मन को शांत रखिए, परिस्थितियों को, विचारधाराओं को, सबको बैलेंस बनाते हुए, परिवार का साथ लेते हुए या अपने निजी संबंधों में आप पॉजिटिविटी क्रिएट करते हुए, अपने परिवारजनों का सपोर्ट लेते हुए किसी न किसी तरह से आज के दिन आप कलेक्टिवली कोई एक निर्णय ले पाएंगे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के संदर्भ में आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कम्युनिकेशन वृषभ राशि वालों, आज के दिन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल रेल्म हो या आपका प्रोफेशनल रेल्म हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही तरफ आज के दिन सूझबूझ का परिचय देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हल्की सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर आप उसका क्लियरेंस ले सकते हैं या अपना स्टैंड दे सकते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग जो करना है वो आपको सोच समझ के आज के दिन करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको आज के दिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खास तौर पे सेकंड हाफ के बाद। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करें, आज का दिन अपने मन को शांत रख के आगे बढ़ें। जिस तरह से आप चीज़ों को ले रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपने मन में उतार रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आप अपनी एक पर्सनल जर्नी पर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही रास्ता है आपके लिए और आपको जो आप सोच रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, उस मुकाम तक पहुंचा देगा। प्रोफेशनली आज के दिन कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज के भी आयाम आपके लिए तैयार हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ने का है। मन को शांत रखिए, विचारों को प्रबलशील तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। कुछ ना कुछ नवीनतम सिचुएशंस, परिस्थिति, अवस्थाएं आपके सामने आने वाली हैं, उसको एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको सब तरफ से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है। कैसे बिताना है, किस तरह से डे को आगे लेकर जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के दिन परिवार के प्रतितम सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंता हो सकती है, खास तौर पे सेकंड हाफ के दौरान। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः जाएगा, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने का आज के दिन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग रियल इस्टेट के बिज़नेस में हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस में हैं, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज के दिन आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देने की सख्त ज़रूरत है। सारे आयाम्स को, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, पूरी तरह से सोच समझ कर सारा आपको परख लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी एक मजबूत निर्णय पे आज के दिन आने की ज़रूरत है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ कोई ना कोई एक डिस्कशन करके, हेल्दी डिस्कशन करके, किसी न किसी तरह से आप आज के दिन अपने लिए कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम, आपके जीवन में चल रही किसी प्रॉब्लम का निकाल पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आपकी परिस्थिति बिल्कुल सही है, मन आपका शांत है, विचारधाराएं आपकी प्रबल हैं, पराक्रम में वृद्धि देखेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ है, सब तरफ से आपके लिए शुभ संकेत इंडिकेटिव है, चाहे प्रोफेशनल रेल में कहें या आपकी पर्सनल लाइफ में। आज के दिन आपका दिन सामान्यता जाएगा, लेकिन ऊर्जावान दिन की शुरुआत से ही आप बने रहेंगे। साथ ही साथ आज के दिन आप सभी उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएंगे जो आपके अधूरे थे, या नवीनतम विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ने के लिए आप आज अग्रसर रहेंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए सिचुएशंस तुला राशि वालों बिल्कुल सामान्यता रहेगी, हालांकि आपके निकटतम संबंधी के किसी संबंधी के तरफ से आपको कोई कठोर शब्द या कटु शब्द सुनने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आपको सूझबूझ का परिचय देना है, किस पर कैसे रिएक्ट करना है या कैसे रिस्पॉन्स देना है, वो आज आप निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन पारिवारिक तनाव अगर कोई चल रहा था तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं आपकी प्रबल रहेंगी। साथ ही साथ आज के दिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव परिवार के प्रति देखे जाएंगे।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सामान्यता जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ के दौरान प्रोफेशनली कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो अराइज होता हुआ नजर आएगा। कहीं पे आपने अगर किसी मेल का जवाब दिया है तो आप मिस इंटरप्रेट भी हो सकते हैं या मिस कम्युनिकेशन भी अराइज हो सकता है। तो आज के दिन रिटन कम्युनिकेशंस को कार्य क्षेत्र में आपको हैंडल करने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप सेफ ड्राइविंग करेंगे तो आपके लिए दिन ज़्यादा अच्छा जा सकता है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग भी आपकी इंडिकेटिव है, जो आपको नेगेटिविटी जो अगर आपके जीवन में कोई चल रही है उससे निजात दिला सकती है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, मन शांत रहेगा, अपने ऊपर काम कर पाएंगे, परिवार का सपोर्ट बना रहेगा, संतान पक्ष की तरफ से पॉजिटिविटी बनी रहेगी, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, मन आपका सुकून के साथ कुछ ना कुछ नया आज नवीनतम किसी प्रणाली पे, किसी योजना पे, किसी टेक्नोलॉजी पे, कुछ किसी पे आप काम कर सकते हैं जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन सेकेंड हाफ के दौरान आप अपने ऊपर समय बिता पाएंगे और कंस्ट्रक्टिव समय बिता पाएंगे, इसलिए इसका आउटकम आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ योगदान पॉजिटिव ज़रूर देकर जाएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं मकर राशि वालों, तो यही आपके लिए समय है, या मैं ये कहूँ यही सही समय है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। सिबलिंग से छोटी मोटी बातों पे आपको मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाइपर एक्टिव या हाइपर रिएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सभी चीज़ों को, तथ्यों को अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जैसी चल रही हैं बिल्कुल ठीक चल रही हैं। डू नॉट पुश योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू अचीव और ओवर अचीव समथिंग। सिचुएशंस को, परिस्थितियों को नेचुरली चलने दीजिए, आपके लिए पॉजिटिविटी ऑलरेडी इंडिकेटिव है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, जिस तरह से आप चल रहे हैं, जिस तरह से परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। अपने मन को शांत रखिए, विचारधाराओं को प्रबलतम तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। साथ ही साथ आज के दिन प्रोफेशनली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए इंडिकेटिव है। बिजनेस विस्तार के बारे में अगर सोच रहे हैं, नवीनतम कुछ टेक्नोलॉजीज़ को अपने बिजनेस में लाने की सोच रहे हैं, निजी व्यवसाय है उसको एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए सटीक या सही माना जा सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब सही होता हुआ नजर आएगा। उसमें कहीं ना कहीं से कोई नेगोशिएट करने की सिचुएशंस आपके ऊपर पॉजिटिव रहेंगी या उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। ओवरऑल परिस्थितियां मीन राशि वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक है, मन आपका शांत है, विचारधाराएं आपकी प्रबल हैं। कुछ खास उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। काबिले तारीफ है कि आपने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, इसी तरह से चलते चलिए आपको सब तरफ से अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आज के दिन आप अब उन सभी चीज़ों को जो आपके अधूरे प्रोजेक्ट्स थे आप हैंडल कर पाएंगे, और आपको आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का और किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का पर्सपेक्टिव आज के दिन चेंज होता हुआ नजर आएगा। मैच्योर्ड अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आज के दिन आप आगे बढ़ेंगे और अपने लिए पॉजिटिविटी हासिल करेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगी। नमस्कार।